हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हर एक चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, तो आज भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ब्रीफअप करके आपको इसके कुछ की पॉइंट्स दूंगा ताकि आप इसको रिकैप कर सको। तो अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ पूरी तरह से नहीं करी है या ये चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करा है या याद नहीं है, तो पहले कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोज़ देखें, टीचर से बात करें, डिस्कशन करें और किस तरीके से चलना है उस तरीके से इस चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। और अगर किसी ने ये चीज़ कर रखी है और उसको रिवाइज करना है, तो डेफिनेटली रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने अगर सॉल्यूशंस की बात करूँ, तो आपको पता है सॉल्यूशन एक होमोजी मिक्सचर होता है जिसके अंदर अगर दो कंपोनेंट सिस्टम की बात की जाए तो एक कंपोनेंट सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट सिस्टम की बात की जाए तो एक सॉल्वेंट और बाकी सारे सॉल्यूट। वहीं पर हर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का इंपैक्ट होता है। में अगर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो तो इंपैक्ट ज्यादा होता है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो तो इंपैक्ट कम होता है, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में कंसंट्रेशन बोलते हो। और यहीं पर अगर सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड स्टेट पर आ जाए, यानी इसके अंदर और फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए, तो उस स्टेट पे आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन माना जाएगा। और वहीं पे उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो सॉल्युबिलिटी मानी जाएगी। हालांकि सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ कंडीशंस पर होती है, कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर, और अगर ये चीज चेंज होती है तो सॉल्युबिलिटी भी वेरी करती है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड है। हालांकि इसमें हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो कंसंट्रेशन, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, उससे आ रही है या यूज में आएगी, जिसमें कंसंट्रेशन आपने मोलैरिटी मास बाय मास परसेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट नॉर्मेलिटी पार्ट्स पर मिलियन मोल फ्रैक्शन जैसे टर्मिनोलॉजी से बनता है। आप जानते हैं इनके फॉर्मूले, मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन मास परसेंटेज, ये सब काफी चीजें आपने क्लास 11th में करी हैं, क्योंकि ये कंटेक्स्ट 1 मार्क का बन सकता है, तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल और इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि किसी का यूनिट, जैसे कि रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड
एंड मोलालिटी, या आप किसको प्रेफर करोगे? तो यहीं पे आंसर देता हूं, मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी, क्योंकि मोलालिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करती है, लेकिन मोलारिटी टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट होती है। इसी के साथ बहुत बार M/10 सॉल्यूशन क्या है, डेसीमोलर सॉल्यूशन क्या है, तो ये दोनों ही आपके लिए 1/10 दैट इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। यानी अगर आप इस सॉल्यूशन का 1 लीटर पानी लेंगे, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, तो उसके अंदर 0.1 मोल्स सॉल्यूट के मिलेंगे। इसके बाद हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पर आते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें बताई जाती है वो आती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको बहुत लिमिटेड वर्ड्स में और बहुत क्रिस्प फॉर्म में हम लोग ऑब्जर्व करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, लेकिन पोलर अच्छे से पोलर को या नॉन पोलर अच्छे से नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। तो हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर बहुत अच्छे से पोलर में या नॉन पोलर बहुत अच्छे से नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इनके एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से माइंड में रख सकते हैं। इसी तरह से आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो मैं यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेजरली 3 टाइप्स के, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड को तीनों पार्ट्स में लिखता हूं, क्योंकि तीनों में अलग अलग रोल आता है प्रेशर का। मैं सबसे पहले अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं तो सबको पता है सॉलिड्स आर रिजिड, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम प्रेशर ऑब्जर्व करवा रहे हैं सरफेस पर और मिनिमम वॉल्यूम पर है। तो उस केस में देयर इज नो रोल ऑफ प्रेशर ओवर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो यहां पर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। यहां पर आपको पढ़ाया गया था हेनरीज लॉ, और क्योंकि आपको हेनरीज लॉ पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर आप एग्जर्ट करेंगे, या मान लिया जाए आपके कंटेनर में लिक्विड था, सॉल्वेंट था, आपने उसके अंदर गैस डाली है, कुछ गैस उसके अंदर डिसॉल्व हुई और बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स उसकी सरफेस पर हैं, तो वो सरफेस पे पड़े हुए गैसियस पार्टिकल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर उन पार्टिकल्स पे लगेगा और वो फर्दर पार्टिकल्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जितना ज्यादा वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वहीं पर P इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पे KH जो कि प्रेशर टर्म है, कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है और इसकी वैल्यू पर क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी बनता है। यानी KH जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के,
के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट उतना कम डिसॉल्व होगा, या जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। इसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कार्बोनेटेड वाटर यानी एरिएटेड ड्रिंक्स बनाते हैं तो जितना ज्यादा प्रेशर पर आप उन एरिएटेड ड्रिंक्स को फिल करते हैं उतनी ज्यादा फिजीनेस उन एरिएटेड ड्रिंक्स के अंदर होगी। वहीं पे सेकंड एप्लीकेशन, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, तो जितनी भी यूजफुल गैसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व होना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में आता है। और क्योंकि लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो हमें एनोक्सिया जैसी बीमारी होती है। एनोक्सिया की अगर आप बात करते हो तो थिंकिंग एबिलिटी पुअर हो जाना, इसलिए अगर आप देखोगे कहीं पे भी हिली रीजन में अक्सर वहां के लोग कम अच्छे से या बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट्स नहीं कर पाते। इसी तरह से जो उनसे तीसरी एप्लीकेशन है वो है मूविंग टूवर्ड्स दी सी लेवल। जब हम लोग सी डाइविंग स्कूबा डाइविंग करते हैं तो अक्सर हम लोग सिलेंडर्स लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कॉम्पोजिशन में हीलियम भी फिल्ड होती है, क्योंकि जैसे हम लोग सी लेवल के पास जाते हैं वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होने की वजह से नाइट्रोजन गैस बहुत जल्दी से बहुत आसानी से हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने लग जाती है, जिसकी वजह से अक्सर ब्लड वेसल्स में बेंड्स होते हैं और एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए हीलियम गैसेस का रोल आता है और उनको फिल किया जाता है। तो ये बेसिक्स ही एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की। इनके ऊपर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और एक तरह से आप समझ सकते हैं ये सेकंड पोर्शन रहेगा न्यूमेरिकल्स का। वहीं पर तीसरा जो उनका टॉपिक है यानी गैसेस इन लिक्विड्स के बाद, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। जनरली जब भी हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं हम लोग इनको वॉलेटाइल लिक्विड्स मानते हैं, क्योंकि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। जनरली 100% वॉलेटाइल, सरफेस पे गिरते ही गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 0% वॉलेटाइल, दे कैन बिहेव लाइक सॉलिड्स। And in between them, general liquids, volatile liquids, volatility बहुत कम और बहुत ज्यादा भी हो सकती है लेकिन वो volatile है। तो इनके लिए हमें दिया गया Rawls law। Rawls law ने कहा कि अगर मैं solute जिसका अपनी pure state में vapor pressure है P नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है पी नॉट सॉल्वेंट, आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो एक नया सॉल्यूशन बनता है, उसका अपनी वॉल्स द कंटेनर पे प्रेशर है पी टोटल। लेकिन हो सकता है जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया हो तो उनका वेपर प्रेशर कम या ज्यादा हुआ हो,
जिसकी वजह से जब ये सॉल्यूशन बनते हैं तो पी सॉल्यूट और पी सॉल्वेंट जैसा वेपर प्रेशर टर्म में लिया जाता है। तो टोटल प्रेशर उस कंटेनर का पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट के बराबर होता है, ये डाल्टन्स ने दिया। वहीं पर रॉल्ट्स ने बताया कि जब एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की आपने डिसॉल्व करी है, या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसका वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं P सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही चीज इस दूसरे कंपोनेंट के लिए यानी सॉल्वेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो P सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट। तो अपने आप में P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे लिए एक तरह से रॉल्ट्स लॉ का ब्रीफ अप है। आप डेफिनेशन इसकी पूरी लिख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टेट करने के लिए आई जा सकती है, लेकिन स्टेटमेंट के अलावा अभी इसमें बहुत कुछ है। अभी एक तरह से मैंने स्टेटमेंट डिफाइन करी, अब इसके बाद इसका फॉर्मुलेशन है। तो फॉर्मुलेशन डाल्टन से वापस आता है, PT इज इक्वल टू P सॉल्यूट प्लस P सॉल्वेंट। अगर मैं इसमें रिप्लेस करूं तो P नॉट सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सबको पता है दो कंपोनेंट हैं, तो मोल फ्रैक्शन उन दोनों कंपोनेंट का सम करोगे तो वन के बराबर होगा। किसी एक में भी रिप्लेस करते हो तो P नॉट सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस P नॉट सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां से कॉमन ले सकते हो, हालांकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता था बट मैं कुछ बच्चे परेशान ना हो जाए इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैंने कॉमन लिया, तो यहां पर प्लीज मैं एक स्टेप बीच में से स्किप करके लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हो मैंने माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कॉमन लिया है। तो अपने आप में देख सकते हो आप जो फॉर्मुलेशन बनेगा कुछ बच्चों की डिमांड हो सकती है कि सर आप इसको ओपन स्टेप को मत खाओ, तो मैं उनके लिए कर देता हूं। P नॉट सॉल्यूट वन से मल्टीप्लाइड माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू P नॉट ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने यहां से माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कॉमन लिया, तो P सॉल्यूट
माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कॉमन आया तो प्लस पी नॉट ऑफ सॉल्यूट माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एट टाइम्स बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से लिख दिया है, आप देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और इसी फॉर्मूला से ग्राफ आता है। हालांकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने हेनरीज की नहीं बताई थी, बहुत ईजी थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट है और जो कि अक्सर बच्चे को परेशान भी करती है। यहां पर ग्राफ हम थोड़ा सा वाई एक्सिस पे एक रेंज में लेते हैं। रेंज कौन सी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 से लेकर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 तक, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 से लेकर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 तक। इस टाइम पर क्योंकि सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो कंटेनर में इकलौता सॉल्यूट होगा, तो उसका कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इसी तरह से अगर कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट होगा तो प्रेशर भी पी नॉट सॉल्वेंट होगा, लेकिन धीरे धीरे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होने की वजह से या सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मुझे टोटल प्रेशर एट एनी स्टेट मिलता है, यानी पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट। ये हमारा रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने के साथ साथ जो इस लॉ को फॉलो करता है उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ना सिर्फ ये कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ऑफ सॉल्यूट प्लस पी ऑफ सॉल्वेंट, इनफैक्ट इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो पहले सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में थी या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में थी वो अभी भी इक्वल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, यानी ना पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव किया तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो, ना एनर्जी गेन रिलीज हुई तो चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो। लेकिन वहीं पर अगर आपने मिक्सिंग करी और ऑल ऑफ अ सडन वेपर प्रेशर रिजल्टेंट बढ़ जाए या कम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाते, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और क्योंकि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड। बेटा मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझाने में नहीं लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंटली मैं बहुत क्विक रिकैप दे रहा हूं चैप्टर का ताकि आप इन चीजों को देखो और एक बार एनसीईआरटी रीड करो तो आपको सब कुछ मिल जाए। तो यहां पे पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड, पॉजिटिव डेविएटेड यानी जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर चेंज हो गया। अब ये क्योंकि सॉल्यूट की वजह से भी हो सकता था, सॉल्वेंट की वजह से भी हो सकता था, दोनों की वजह से भी हो सकता था, इसलिए रिजल्टेंट राइज आया। अब क्योंकि ये राइज आया तो टोटल प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि पार्टिकल्स वेपर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, दीवारों पे ज्यादा टकरा रहे हैं, एनर्जी उनके पास ज्यादा हो गई, तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, या ए बी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वीक हो गई है AA या BB पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वहीं पर नेगेटिव डेविएशन की बात की जाए तो पार्टिकल्स एक्सपेक्टेशन से कम वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कम दिखा रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, टोटल प्रेशर लेसर देन पी ऑफ सॉल्यूट प्लस पी ऑफ सॉल्वेंट या डेल्टा एच मिक्स लेसर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स लेसर देन जीरो या ए बी ग्रेटर देन ए ए या बी बी। तो ये हमारे लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, और इसी टाइम पर हमें एक और टाइप के सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं जिनको आप एजियोट्रॉप्स बोलते हो। एजियोट्रॉप्स जनरली वो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जो एक तरह से वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से बनते हैं, और क्योंकि वॉलेटाइल सॉल्यूट एक कॉम्पोजिशन दिखाता है, अगर आप उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो उस कॉम्पोजिशन को मेंटेन करे। तो एजियोट्रॉप्स भी दो तरीके के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो जब आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स उनके लिए होंगे जिनमें पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, यानी नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। और वहीं पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले। ठीक है, तो एग्जांपल आपके लिए कॉमन हो सकता है जो कि आपको माइंड में रखना है। इसके बाद आपने काफी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, तो इसी तरीके से हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझते हैं या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। तो बेटा जनरली जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, तो दो तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर पहला प्रोसेस हो कि आप सॉल्यूट डाल रहे हो सॉल्वेंट के अंदर और आपको एनर्जी देनी पड़े, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। वहीं पर हो सकता है एनर्जी रिलीज हो, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो उन दोनों ही पॉइंट में अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक है यानी एनर्जी रिलीज होती है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें सबसे पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि आप
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अगर हमारे पास वेंटॉफ फैक्टर होता तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो सकता था, लेकिन आज क्योंकि वेंटॉफ फैक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। डेफिनेटली जब आप वॉलेटाइल सॉल्यूशन बना वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हो उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा। उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ओपन करूं तो पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट P of solution divided by P naught of solvent is equal to mole fraction of solute। वहीं पर जब हम लोग elevation in boiling point की बात करते हैं second, तो elevation in boiling point यानी जितना boiling point increase हुआ सॉल्यूट डालने पे इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहां पे एम मोलालिटी है और के बी एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। इसका अगर आप यूनिट निकालेंगे तो डेल्टा टीबी का केल्विन पर मोलल। हालांकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, जहां पर Kf क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। वहीं पर इसका दूसरा नाम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और यूनिट Kf का केल्विन पर मोलल। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ, जो कि देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी कंसेंट्रेशन है यानी पाई इज इक्वल टू एन बाय VRT यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। इसके पीछे क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर ऑस्मोसिस की बात करूं एग्जांपल के साथ बात करता हूं, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने पानी डाला और उस पानी में मैंने एक पतली सी किशमिश डाल दी। धीरे से कुछ देर बाद देखा तो ये किशमिश फूल गई। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से किशमिश फूली है? तो यहां पे आप कहते हो सर सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऐसा होता है कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन विद नो इफेक्ट, अपने आप हो रहा है प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। एग्जैक्टली इसका उल्टा, एफर्ट देना पड़ेगा, वो कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब अगर आप इसको रोकने की कोशिश करो,
आप कोशिश कर रहे हो, यानी आप या तो इस फिनोमेना को करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इस फिनोमेना में जो प्रेशर लग रहा है उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो, तो आप उसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर आपने बहुत ज्यादा लगाया, इक्वल लगाया या कम लगाया, क्योंकि अगर आप कम लगाओगे तो अभी भी ऑस्मोसिस चलता रहेगा, अगर आप इक्वल लगाओगे तो जस्ट रुक जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा लगाओगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। तो व्हाट कंडीशंस वी रिक्वायर टू चेंज इन ऑर्डर टू चेंज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टू रिवर्स ऑस्मोसिस, डेफिनेटली अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बीच में इन बिटवीन भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए, जनरली जो हमारे क्वेश्चनर्स में आएंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि अभी आप मेरे साथ करोगे, और फिर आप इस चैप्टर को पूरा सील अप कर सकते हो, जो भी न्यूमेरिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, हालांकि उससे ज्यादा आप करें प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, आप रूट 200 ले सकते हो, किसी बच्चे के पास नहीं है क्या है ये रूट 200 तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, अदरवाइज आप रूट 200 से क्वेश्चंस करो, कोई भी बुक नहीं छूटती है अगर आप रूट 200 कर लेते हो, तो ध्यान से हम इस चीज को देखते हैं।